अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैंने ये दो रेडीमेड सूट लेके आई हूँ। ये माँ बेटी के सूट हैं, बहुत ही स्टाइलिश किस्म के सूट हैं। मैं इनकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप घर में बनाना चाहें तो ज़रूर बनाइएगा। पहले मैं बड़े सूट की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं मुकम्मल इसकी डिटेल बताऊँगी। ये बहुत स्टाइलिश किस्म की शर्ट है, ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये इसके साथ पैंट ही है, पैंट की कोई ख़ास डिटेल नहीं है, पैंट तो बाज़ार ही है, सिंपल बाज़ार की ली हुई पैंट है। ये देख लें इस तरह से, ये नैरो पैंट नहीं है, नैरो पैंट इतनी अच्छी नहीं लगती, ये खुली पैंट है। इसकी शर्ट देखें कितनी स्टाइलिश है। पहले आप इसकी मुकम्मल लुक चेक कर लें, अब मैं इसकी डिटेल बताती हूँ। ये ऊपर वाला जो फ्रंट साइड है जो इसकी, ये डबल सिलाई हुई है। वैसे ये मुकम्मल ए लाइन में फ्रॉक है, ए लाइन टाइप की ये मुकम्मल शर्ट है। और इसकी जो लेंथ है वो 35 इंच है। ये शॉर्ट शर्ट में आती है, बहुत लॉन्ग में नहीं आती, ये पैंट के साथ यूज़ करते हैं। अब मैं इसकी आपको डिटेल मुकम्मल बताती हूँ। इस फ्रंट में इस तरह से कट बना के, ये थोड़ा सा ऐसे करके गोल, और फिर इस तरह, ये बस उन्होंने इस तरह बना के कपड़े को फोल्ड कर दिया है। और ये भी सेम इसी तरह बना दिया है, और ये बराबर में आएंगे। ये देखें, ये ऊपर नहीं आते एक दूसरे के, ये बराबर में ही रहेंगे। और इनके ऊपर इस तरह मोती अटैच कर दिए हैं, सिंपल मोती लेके, लड़ी मोतियों के लेके वो अटैच कर सकते हैं आप। और नीचे वाली इसकी फ्रॉक का गला देखें ज़रा, ये राउंड नेक है, और राउंड नेक के ऊपर ये वाली फ्रिल बनाई हुई है, और फ्रिल के ऊपर भी एक एक मोती अटैच कर दिया है। और इधर से देखें आगे से, ये बैक साइड थोड़ी सी लेंथ में है, ये हाई लो का थोड़ा सा इसके अंदर लुक आता है। और इस तरह अटैच करना है इसको, जस्ट फ्रंट साइड पे ये डबल है, बाकी सिंगल ही है। और ये बहुत स्टाइलिश शर्ट है, पहनी हुई भी मैंने इसका थंबनेल शेयर किया है आपके साथ, पहनी हुई ये बहुत अच्छी लगती है। बाजू इसकी ज़रा चेक कर लें, सिंपल बाजू है, आगे से थोड़े से बस खुले हैं। बैक और फ्रंट में यहाँ से ये चेक करें, ये इसका हाई लो का फ़र्क यहाँ से ही पता चल जाएगा, ये तकरीबन 3 इंच का गैप आ रहा है यहाँ से। बैक साइड व्यूवर चेक करें, बिल्कुल ए लाइन शेप में है, और नीचे से वो कॉर्नर, ये कॉर्नर वाली नहीं है, नीचे से गोल शेप है इसकी। कमल सूट की लुक चेक कर लें, कितना स्टाइलिश, कितना ज़बरदस्त ये सूट लगता है। ये मैंने सिर्फ एक आइडिया दिया है, आप सेम इसी तरह का मोटी कॉटन में लेके घर में भी सूट सिलाई कर सकते हैं। कैमरा काटन का यह सूट है। बेटी के सूट की वीडियो शेयर करती हूँ, पहले मैंने माँ के सूट की शेयर की थी, अब बेटी की। ये मैंने ऑनलाइन परचेज की है, तो इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये भी देखें, बहुत ही स्टाइलिश किस्म की फ्रॉक है, बहुत ही माशाल्लाह अच्छी लुक आ रही है इसकी। इसका भी मैं आइडिया देती हूँ कि ये घर में सिलाई की जा सकती है। बारीक शफून का कपड़ा लिया हुआ है, ये वाला बिल्कुल जो बारीक शफून होता है उसका कपड़ा लेके, तो ये इसका नेक स्टाइल चेक कर लें ज़रा। बेबी शर्ट की इस तरह से, ये 28 नंबर की है। इसका नेक स्टाइल चेक करें, बहुत ही स्टाइलिश है, बिल्कुल प्रोमिनेंट करके मैं दे रही हूँ इसकी कढ़ाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो इस तरह की कढ़ाई करवा सकते हैं। और आगे से ये वाली चेक करें, इसके अंदर जॉइंट लेस दे के इतना स्टिच किया हुआ है, फिर थोड़ी सी एक पट्टी छोड़ के, फिर उसके अंदर एक जॉइंट लेस लगा के, तो ये वाली जो नीचे जो फ्रिल टाइप की इसकी फ्रॉक आ रही है वो अटैच की है। इसके बाजू भी चेक कर लें, ये भी जॉइंट लेस के साथ ही बिल्कुल बनाए हुए हैं, और यहाँ ये खुला काफ़ी लेके कपड़ा कढ़ाई की हुई है, बहुत ही ये स्टाइलिश है। ये खुला बाजू लेके, तो खुला बाजू रख के इसकी कढ़ाई इस तरह की गई है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करने का मतलब ये है कि आप इस तरह के घर में भी सिलाई करवा सकते हैं, दर्जी को चेक करवा के। ये 6 साल की बच्ची का सूट मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। वीडियो शेयर भी किया करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि मैंने जो शॉपिंग की है वो कैसी लगी आपको। सूट की वीडियो शेयर करती हूँ, ये बहुत ही अच्छा सूट है, ये रेडीमेड परचेज़ किया है पैंट के साथ ये शर्ट। मैं इसकी आपको लुक दिखाती हूँ और मुकम्मल डिटेल भी बताती हूँ।
इसको कॉलर की शेप देनी है, ये इस तरह शेप देने के बाद इसको फोल्ड करके अंदर की साइड पे सारा टर्न कर दिया गया है कपड़े को, और फिर इनकी ये शेप बना दी गई है कॉलर की। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आती है जब ये पहनते हैं। ये देखें नेक डिज़ाइन इसका, पहले इस तरह से राउंड नेक बना के, ये फ्रिल वाला आजकल बहुत ट्रेंड में जा रहा है, तो ये इस तरह फ्रिल वाला बिल्कुल राउंड नेक बनाया हुआ इसका, और ऊपर भी कॉलर अटैच कर दिया है, कॉलर अलग से अटैच किया है। ये जस्ट डिज़ाइनिंग के लिए एक पेटी के ऊपर वाली साइड पे ये चोंटों के अंदर दे लगा के इसको ऊपर सिर्फ एक पट्टी की शक्ल प्रोमिनेंट की गया, और दरमियान में इस तरह का एक बक्कल लगा दिया है। आप बक्कल भी लगा सकते हैं इस तरह की, आप कोई अच्छा सा डोरी के साथ बना के फूल भी यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। ये मीडियम साइज़ की फ्रॉक है, और ना इसकी इसके बाजू भी आप देख लें, बाजू भी इस तरह सिंपल पट्टी, ये एक पट्टी डिज़ाइनिंग के लिए सारी फ्रॉक में यूज़ की है, ये वाली पट्टी लगाई गई है। और अगर मैं आपको इसकी लेंथ बताऊँ तो इसकी लेंथ है 38 इंच। ये मीडियम साइज़ की फ़्रॉक है, ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आती है और ना ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग में आती है। बैक साइड में इसकी शेयर करती हूँ आपके साथ। बैक साइड जो है वो ए लाइन फ्रैक ए लाइन शेप की में कटाई की गई है। इसमें पेटी अलग से बॉडी का जो हिस्सा होता है वो नहीं लगाया गया, पेटी नहीं है, सिंपल ही है, लेकिन पहनी हुई बहुत अच्छी लुक आती है। ये 3 बॉक्स प्लेट इसके अंदर डाले हुए हैं, एक साइड दो एक एक साइडों में डाला हुआ है और एक दरमियान में डाला हुआ है। यह इस पैंट के साथ ली है। यह इसका दुपट्टा है, सादा जो दुपट्टे मिलते हैं वो वाला इसके साथ दुपट्टा मैच किया गया है। और ये वाली पैंट एक मैंने आपके साथ एक शर्ट में पहले भी ये शेयर की है, यही वाली पैंट मैंने एक पैंट के साथ 2 शर्टें बनाई हैं। आप देख सकते हैं इसकी फुल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्टाइलिश ये आ रही है।